जिसका नाम है योग चिकित्सा। योग चिकित्सा या योग थेरेपी। क्या है यह देखेंगे हम। योग विषय हम पढ़ रहे हैं तो योग के अनेक स्वरूप हम हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें क्या है, एक होता है योग साधना, योग अभ्यास, योग विद्या, योग कला, योग विज्ञान, योग जीवन पद्धति, योग चिकित्सा, ये ऐसे कुछ नाम है। योग साधना, योग अभ्यास, योग विद्या, योग कला, योग विज्ञान, योग जीवन पद्धति, योग चिकित्सा। ये अलग अलग स्वरूप है। क्या ये वाकई ही अलग अलग है, या जैसे सिर्फ इनके नाम ही अलग अलग है, कुछ इनमें डिफरेंस है क्या? तो क्या ध्यान में आता है हमको, जैसे योग साधना और योग अभ्यास दोनों में क्या अंतर है? योग साधना में हम एक विशेष उद्देश्य के लिए योग का अभ्यास करते हैं, जिसमें यह साधना करने वाला साधक कहलाता है। और योग अभ्यास, इसमें भी हम अभ्यास ही करते हैं, प्रयत्न करते हैं, किसी भी प्रकार के योग क्रिया का प्रयत्न करते हैं, तो वह योग अभ्यास के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका उद्देश्य भी अलग होता है। इन सभी के अपने अपने एक अलग अलग उद्देश्य है, इनका स्वरूप है। तो जो ये ना अलग अलग करता है, योग जीवन पद्धति, योग कला, योग विज्ञान। अब ये क्या है, हम जैसे योग की अलग अलग परंपराओं को पढ़ते हैं, जिसमें राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, भक्ति योग, प्रेम योग, ऐसे अलग अलग योग की ये सब परंपराएं हैं। तो क्या है, केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान, शुद्धि क्रिया, सूर्य नमस्कार, इन तक सीमित है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते ऐसा कहते हैं। और कब कहते हैं? युद्ध के मैदान में कहते हैं, जब अर्जुन स्वयं को भूल जाता है और शोक ग्रस्त हो जाता है, विषाद की स्थिति में आ जाता है, उस समय श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। जो उपदेश देते हैं वह श्रीमद् भगवद गीता कही गई है। तो उस उपदेश में तो कहीं आसन प्राणायाम की तो बात नहीं की जा रही है, वहां कर्मों की कुशलता की बात कर रहे हैं, समान रहने की बात करें। तो यह क्या है, तो यह जीवन पद्धति के अंतर्गत आता है। अब योग चिकित्सा, आजकल हम इसका एक स्वरूप योग का देखते हैं, योग चिकित्सा। तो अब चिकित्सा का अर्थ हम पहले समझेंगे, चिकित्सा का क्या अर्थ है? तो हम सामान्य रूप से देखें, समस्याओं का समाधान, यह चिकित्सा है। समस्याओं का समाधान करना चिकित्सा है। अब वह चिकित्सा शरीर संबंधित, मन संबंधित, बुद्धि संबंधित, किसी भी प्रकार की हो सकती है। योग चिकित्सा, अब यह और कहीं क्या नई बात है, जैसे आज हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं, पूरा विश्व योग दिवस मनाता है, योग का अभ्यास करता है। क्यों करता है? क्योंकि योग करने से उनका बीपी ठीक होता है, डायबिटीज ठीक होता है। सबसे पहले वो शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं। और दैनिक अभ्यास के होने के बाद भी यदि कोई बीमारी लग जाती है, या कोई चोट आ जाती है, शरीर में कोई विकार, टेढ़ापन आ जाता है, तो
तो विशेष प्रयत्नों से, विशेष अभ्यासों से चिकित्सा की जाती है, जिसमें इन रोगों को ठीक किया जाता है। भगवान श्री राम और योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम ने जो योग सीखा, जो वशिष्ठ ऋषि और श्री राम के मध्य संवाद है, क्या उसको देखकर योग दिवस मनाया जा रहा है? क्या उसको देखकर लोग योग कर रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन का संवाद, जिसमें योग को बताया गया, क्या इस योग को ध्यान में रखकर योग किया जा रहा है? तो आज हम देखते हैं सामान्य व्यवहार में, वातावरण में योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए, और रोग लग जाता है तो उसे दूर करने के लिए, बीपी है, डायबिटीज है, जोड़ों में दर्द है, और किसी प्रकार की समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए योग को भी अपनाया जा रहा है। तो यह योग चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो ये ऐसे कुछ नाम है। तो आज हम अभी हम यह विषय पढ़ रहे हैं, योग चिकित्सा। अब इसके अंदर और क्या क्या बातें आती है आगे हम देखते हैं। अब चिकित्सा, चिकित्सा के अनेक प्रकार हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला एक है एलोपैथिक। दूसरा आयुर्वेदिक, आयुर्वेद। तीसरा प्राकृतिक चिकित्सा। चौथा वैकल्पिक चिकित्सा की विधियां। इसके अंदर क्या क्या आ जाती है? इसके अंदर कई प्रकार चिकित्सा के, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इसके बाद मर्म चिकित्सा, और चुंबकीय चिकित्सा, ये ऐसे कुछ चिकित्सा के प्रकार है। तो जैसे सबने नाम सुन रखा होगा एलोपैथिक चिकित्सा, क्या होता है एलोपैथिक में? आज जो हम ये हॉस्पिटल मेडिकल देख रहे हैं, ये सब किस चिकित्सा पद्धति को लेकर चल रहे हैं? एलोपैथिक। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यह सब मर्म चिकित्सा, यह भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। तो जो हॉस्पिटल मेडिकल जो काम कर रहे हैं, वह एलोपैथिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। क्या होता है इसमें, आप सभी जानते हैं, जैसे हमें बुखार आ गया, हमने पैरासिटामोल की टेबलेट ले ली और हम बुखार ठीक हो गया, सर दर्द हुआ, कोई गोली ले ली, खांसी आ रही है, कफ हो गया, कफ सिरप ले लिया, कोई लिक्विड दवाई ले ली, पेट में दर्द है कुछ ले लिया, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, डायबिटीज की समस्या है, उसके प्रकार इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह, ये सब जो लेते हैं चलते हैं, यह सब इस एलोपैथिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा, इसमें क्या होता है, जो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पति हैं, उनसे उन्हें औषधि के रूप में लेना, यह आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे रसोई में कई सारे प्रकार के मसाले हैं, जैसे हल्दी, हल्दी को जब यदि किसी भी औषधि के रूप में लेते हैं तो वह उपचार का काम करती है, मसालों में डालते हैं तब भी वो फायदा दे रही है, उसे औषधि के रूप में लेते हैं तो वह उपचार का काम करती है। ऐसे ही नीम है, गिलोय है, तुलसी है, यह सभी नाम आजकल इन दिनों काफी चर्चा में भी रहे हैं, तो यह सब आयुर्वेद के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब जड़ी बूटियों से, जो भी वनस्पतियां हैं, इनसे चिकित्सा करना। इसके बाद है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। तो जब इन पंच महाभूतों में कोई विकार होता है, इनमें विषम स्थिति उत्पन्न होती है, बनती है, तब इन्हीं पंच महाभूतों की सहायता से ही उपचार करना,
प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाता है जल चिकित्सा, जो भी पंच महाभूत है, जल चिकित्सा, जल चिकित्सा एक प्रकार है। अब इस जल चिकित्सा में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं, कटे स्नान है और भी अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं। फिर है पृथ्वी चिकित्सा, आकाश चिकित्सा, सूर्य की रोशनी से होना, इसके बाद मिट्टी से जो चिकित्सा की जाती है वह पृथ्वी चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ऐसे पंच महाभूतों से बने शरीर में कोई विकार होने पर पंच महाभूतों से उसका उपचार करना प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अगला है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा और भी चिकित्सा पद्धतियां सम्मिलित है, जो इनमें अलग अलग प्रोसेस द्वारा आपके रोगों को ठीक किया जाता है। अब इनके अलावा भी कुछ और नाम है, जैसे स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा इसे कहते हैं रेकी। इसमें क्या है, इसका अर्थ रेकी में क्या होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है, यह आभा मंडल क्या है, हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा। यह आभा मंडल जब ठीक रहता है तब हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन इस आभा मंडल में नकारात्मकता आती है तो हम अस्वस्थ होते हैं, हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस आभा मंडल में सुधार लाकर यह चिकित्सा की जाती है, यह रेकी कहलाती है, इसको हीलिंग भी कहते हैं। यह हो गए चिकित्सा के कुछ प्रकार जिनके सामान्य बता दिया। अब हम योग चिकित्सा को पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि योग चिकित्सा है, कोई भी चिकित्सा की जा रही है तो किसकी की जा रही है, रोग की जा रही है। जब हम सामान्य योग अभ्यास कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या में योग अभ्यास हम कर रहे हैं, स्वस्थ है तो वो करे वह योग अभ्यास है, लेकिन कमर में दर्द हो रहा है और उसके लिए हम आसन कर रहे हैं, पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं, कटे चक्रासन, चक्रासन, कोई भी आसन कर रहे हैं, तो वह क्या है, वह उस समय चिकित्सा का रूप ले लेता है। अब इसमें क्या होता है, क्या जैसा योग अभ्यास में आसन कर रहे ठीक वैसा ही चिकित्सा में, नहीं, चिकित्सा में जो अभ्यास है आसन प्राणायाम शुद्धि क्रिया इनका रूप बदल जाता है। जैसे हम सामान्य कुंजल क्रिया करते हैं तो उसमें हल्के गर्म जल में नमक डालकर उसको पीना और वापस बाहर निकालना, यह होता है। लेकिन अब किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पाना है और कुंजल भी करना है तो क्या हम नमक डालेंगे, नहीं, नमक से तो और समस्या बढ़ेगी, तो उस समय नमक की जगह हम नींबू का प्रयोग करते, तो यह चिकित्सा है। पश्चिमोत्तानासन हम कर रहे हैं लेकिन कमर में पहले से दर्द है तो उसमें सुधार लाना है, और हो सकता है जिस सामान्य क्रम में अभ्यास कर रहे हैं उसी प्रकार पश्चिमोत्तानासन किया तो समस्या बढ़ भी सकती है। इसलिए आसनों में या जो भी योगिक अभ्यास उनमें कुछ परिवर्तन लाकर उनका अभ्यास करना योग चिकित्सा के अंतर्गत आता है। पादहस्तासन करें, नीचे जा ही नहीं जा रहा, हम नीचे झुक ही नहीं पा रहे तो क्या करना, कुर्सी पर बैठकर पहले करना, यह योग चिकित्सा है। कुर्सी पर बैठकर दाएं घूमना बाएं घूमना, जिससे वहां थोड़ा सा घर्षण होता रहेगा, वहां लचीलापन बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे वह अंग खुलता रहेगा, उसमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता रहेगा, उस प्रकार से अभ्यास करना वह अभ्यास चिकित्सा का रूप धारण कर लेता है। अब हम रोग और स्वास्थ्य इसको थोड़ा समझेंगे कि रोग की चिकित्सा की जा रही है तो ये रोग आखिर है क्या, जिस प्रकार ये अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं तो इन सभी चिकित्सा पद्धतियों ने रोग को अलग अलग रूप में समझा है, उसे अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। तो कौन सी चिकित्सा पद्धति रोग को किस प्रकार परिभाषित कर रही है इसको भी देखते हैं।
तो पहला है, हम अभी रोग की परिभाषाएं यह पढ़ रहे हैं। पहले एक बार देख लेते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या अर्थ है स्वास्थ्य का? स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है। आप शरीर से मन से अपने अंदर स्थित हैं, आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आप अपने स्थिति से प्रसन्न हैं, तो आप स्वस्थ हैं। तो और WHO की इसने परिभाषा दी है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार एक बार हम स्वास्थ्य की परिभाषा क्या कहता है WHO स्वास्थ्य के बारे में? केवल रोगों की अनुपस्थिति मात्र को ही स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। अपितु स्वास्थ्य तो वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्तर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए WHO क्या कह रहा है? केवल रोगों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है, अपितु स्वास्थ्य तो वह है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्तर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो अभी जो चार यहाँ स्तर बताएं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, क्या इन चारों स्तर पर एलोपैथी काम करती है? नहीं, एलोपैथी केवल शारीरिक स्तर पर आपको ठीक कर सकती है, लेकिन योग चिकित्सा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सामाजिक चारों स्तरों पर काम करती है। शरीर जो हमारा 11 तंत्रों से मिलकर बना है, अभी हम जो इन दिनों पिछले दिनों में मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान पढ़ा, तो उसमें अलग अलग तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पढ़े, तो वे सब इस शारीरिक स्तर के अंतर्गत आ जाते हैं। उनमें कोई विकार होता है तो उसको योग चिकित्सा ठीक करती है। अब मानसिक स्तर, मानसिक स्तर में क्या है? मनोरोग जो है वो मानसिक स्तर के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, क्रोध होना, बेचैनी, ये सब इस मानसिक स्तर में आ जाते हैं। इसके बाद है आध्यात्मिक, क्या है? आत्मा की जो ऊर्जा है वह आध्यात्मिक ऊर्जा कहलाती है, जिसे चेतना भी कहते हैं। उस चेतना को बनाए रखना, उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहे, उसका क्षय ना हो, इस स्तर पर काम करना, इसकी चिकित्सा करना। इसमें क्षय हो गया तो कैसे ठीक करेंगे? पैरासिटामोल खाने से आध्यात्मिक ऊर्जा तो ठीक होगी नहीं, तो
योग चिकित्सा के द्वारा आध्यात्मिक स्तर को बनाए रखना। इसके बाद है सामाजिक स्तर। क्या आ जाता है सामाजिक स्तर में? समाज का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सदाचार, इस प्रकार की ये जो व्यावहारिक बातें हैं ये सामाजिक स्तर में आ जाती है। तो योग इस सामाजिक स्तर पर भी कार्य करता है। पुरुष का स्त्री को देखने का नजरिया कैसा हो, यह यहाँ सीखने को मिलता है। यदि वह भी गड़बड़ है तो योग चिकित्सा के माध्यम से वह ठीक होता है। तो यह चार स्तर है, इस पे बताया गया। इसके बाद आयुर्वेद के अंदर स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा गया है? तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ऋषि कहते हैं, सम दोष समाग्निश्चम सम धातु मलक्रिय प्रश्नात्म इंद्रिय। यह जो सम दोष त्रिदोष है और धातु मल, इन सब का समान रहना, मन इंद्रिय आत्मा का प्रसन्न रहना, यह स्वास्थ्य है। और अब आगे हम देखेंगे, यह स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे रोग, रोग की परिभाषा क्या है अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में। पहले तो देखेंगे रोग। रोग वैसे अभी इसके स्तर ध्यान आ ही गए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ये सभी। वैसे तो रोग के 3 मुख्य स्तर है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक माने जाते, पर सामाजिक भी जोड़ा गया है। तो अब हम देखेंगे रोग की परिभाषा है। पहला है एलोपैथी के अनुसार, एलोपैथी किसे रोग मानती है? तो शरीर का भौतिक कारणों से रासायनिक परिवर्तन होना, बाह्य कारणों से शरीर का रोगग्रस्त होना, बाह्य रोगाणुओं का शरीर पर हावी होना, जिससे चयापचय दर में असंतुलन होना रोग है। क्या है? देखिए, शरीर में भौतिक कारणों से रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो भी अंदर के ऑर्गन से उनके काम करने का ढंग बदल जाना, रासायनिक असंतुलन। रासायनिक असंतुलन होने पर अथवा बाह्य रोगाणु के संक्रमण होने पर, के संक्रमण होने पर चयापचय दर, मेटाबॉलिक रेट, चयापचय दर का असंतुलित होना असंतुलित होना क्या है? यह रोग है। किसके अनुसार है? एलोपैथी के अनुसार। बाह्य कारणों से शरीर के रासायन शरीर में रासायनिक असंतुलन, मतलब ऑर्गन्स का ठीक प्रकार से कार्य न करना, हार्मोन्स का ठीक प्रकार से सिक्रेशन न होना, तंत्रिकाओं का संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता न रहना,
उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक से ग्रहण न कर पाना न भेज पाना। इस प्रकार या बाह्य रोगाणु, कोई रोगाणु बाहर से जैसे अभी कोरोना आक्रमण किया उसने, तो उसके संक्रमण होने पर शरीर की चयापचय दर, मेटाबोलिक रेट BMR, इसमें असंतुलन होना रोग है। अब इसके बाद आयुर्वेद, आयुर्वेद किसे रोग मानता है? शरीर के वात, पित्त, कफ नामक त्रिदोष। त्रिदोषों, इसके बाद धातुओं, अग्नियों, वह मलो की विषम अवस्था। विषम अवस्था रोग है। शरीर, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वात पित्त कफ रहते हैं, ये त्रिदोष कहे गए हैं। तो जब इन वात पित्त कफ मतलब त्रिदोषों, धातुओं, सप्त धातु हैं, अग्नियों जिसमें 13 प्रकार की अग्नियां आती है, और मल, इनकी विषम अवस्था रोग है। जब इनमें असंतुलन होता है, धातुओं में, अग्नियों में, मलों में, त्रिदोषों में, तब जो विषम अवस्था बनती है वह रोग कहलाती है। और इंद्रिय, आत्मा और मन के प्रसन्न अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। यहाँ लिख देता हूं मैं, इंद्रियों, मन व आत्मा की प्रसन्न अवस्था। स्वास्थ्य कहलाती है। यह आयुर्वेद के अनुसार है। अब प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग की परिभाषा, शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूतों, इन पंच महाभूतों में संयोग स्वास्थ्य कहलाता है। इन पंच महाभूतों में संयोग स्वास्थ्य कहलाता है, और इनमें विषम अवस्था रोग है। मतलब इन पंच महाभूतों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जब तक इनमें समानता बनी रहती है, इनका संतुलन बना रहता है, तब तक तो वह स्वास्थ्य है। लेकिन जब उनमें विषमता आ जाती है तब वह रोग है। अब इसके बाद
एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या कहता है? चौथा, एक्यूप्रेशर के अनुसार शरीर के आंतरिक अंगों के ऊर्जा का क्षय होना रोग है। शरीर के आंतरिक अंगों की ऊर्जा का क्षय होना रोग है। कैसे? जैसे ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में चलता है, और एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, विशेष रूप से हाथ पर, हाथ की हथेली पर और दोनों पैरों के तलवों पर किसी भी एक निडल से या नोकदार वस्तु से पॉइंट प्रेस किए जाते हैं, दबाए जाते हैं और चिकित्सा की जाती है। उन सभी का पॉइंट का अपना अपना स्थान रहता है जो प्रत्येक एक अंग से, शरीर के एक अंग से जुड़े होते हैं। अब यह कह रहा है आंतरिक कर्जों के अंगों की ऊर्जा का क्षय होना। तो जब ऊर्जा जो प्रवाहित हो रही है तो उनके जो छोर हैं वो यहाँ पर रहते हैं, हथेलियों में और पांवों के तलवों में। यहाँ पर ऊर्जा अधिक रहती है, इसलिए इन अंगों को दबाने से ऊर्जा जो क्षय हो रही है उसका जागरण होता है और उस अंग की बीमारी दूर होती है। इसलिए यह एक्यूप्रेशर चिकित्सा अंगों की ऊर्जा के क्षय होने को रोग कहती है। अब अगला आ जाता है स्पर्श चिकित्सा। इसके अंदर है रेकी। मनुष्य शरीर के अंदर व बाहर ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, वह उसका आभा मंडल कहलाता है। इस ऊर्जा प्रवाह में जब वह सकारात्मक ऊर्जा होती है तब वह स्वास्थ्य कहलाता है, और नकारात्मक होने पर वह रोग कहलाता है। छठा बिंदु है स्पर्श चिकित्सा। रेकी मनुष्य शरीर के अंदर व बाहर ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। यह आभा मंडल कहलाता है, यह ऊर्जा आभा मंडल कहलाता है। अब इस ऊर्जा का सकारात्मक होना स्वास्थ्य है और ऊर्जा का नकारात्मक होना रोग है। आभा मंडल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सकारात्मक अवस्था में होना, सकारात्मक होना स्वास्थ्य है और ऊर्जा का नकारात्मक होना रोग है। यह ऐसा स्पर्श चिकित्सा कहती है। अब यह अलग अलग हो गया। अब जो हमारा मूल विषय है योग चिकित्सा,
वह इसको लेकर क्या परिभाषा देता है, इसको भी हम देखते हैं कि योग चिकित्सा, जैसे हमें योग चिकित्सा का अर्थ भी ध्यान आ जाता है और रोग के लिए वो योग क्या कहता है यह भी ध्यान आ जाता है। योग चिकित्सा के अनुसार योग चिकित्सा में प्राण को, प्राण ऊर्जा को शरीर व मन का, प्राण ऊर्जा को शरीर व मन का आधार माना है। शरीर व मन का आधार किसको कहा है? प्राण को। पंच प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये उसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसके पंच उपप्राण भी होते हैं। तो जो पंच कोश है उसके अंदर भी इन प्राणों की चर्चा होती है। अब यह तो हो गया। इसके बाद विभिन्न योगांगों के अभ्यास के द्वारा इस प्राण ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना, इसमें वृद्धि होती रहे तो वह स्वास्थ्य है, और जब इन प्राणों में गिरावट होती है, कमी आती है, तब वह रोग है। विभिन्न योगांगों, योग के अंग जितने भी हैं, विभिन्न योगांगों का अभ्यास इस प्राण ऊर्जा में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। शरीर एवं मन इस प्राण ऊर्जा के अभाव में शारीरिक व मानसिक रोग है। योग चिकित्सा में प्राण ऊर्जा को शरीर व मन का आधार माना गया। अब जो योग अंग हैं, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, ध्यान, धारणा, ध्यान समाधि, ये सभी अंग क्या है, इनका अभ्यास का उद्देश्य क्या रहता है? प्राण ऊर्जा में वृद्धि करना। लेकिन यदि शरीर और मन में प्राण ऊर्जा का अभाव है तो यह शारीरिक और मानसिक रोग है। मतलब प्राण ऊर्जा का अभाव होना योग चिकित्सा के अनुसार रोग है। यह रोग शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का है, होता है। तो यह योग चिकित्सा के अनुसार रोग की परिभाषा हो गई। आज हमने
अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में रोग की क्या क्या परिभाषाएं हैं वो देख ली हैं। इसके बाद चिकित्सा का अर्थ क्या है, समस्याओं का समाधान करना यह चिकित्सा है, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं। कल हम योग चिकित्सा में क्या क्या सिद्धांत आते हैं और क्या क्या बातें आती हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बीमारियों की चिकित्सा योग द्वारा नहीं हो रही होगी, जो हो सकता है वह आयुर्वेद में होती होगी लेकिन योग से संभव नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा से होती होगी लेकिन योग में संभव नहीं है, एलोपैथी से होती होगी लेकिन योग से संभव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इन सब की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा हम यहीं पर